हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 4 और अभी हम उठ गए, तो बस अब खाली कर रहे हैं। यहाँ पे जाना है, लेबर को किया फ़ोन, वो जल्दी आ जाएंगे 5 बजे, क्योंकि दिन को गर्मी में जो पाइपें खाली नहीं होती, गर्मी में पाइपों को हाथ तक नहीं लगता, तो लेबर वालों को बोला जल्दी आ जाओ, क्योंकि जो लेबर वाले उनको और भी काम कर रहे थे। 10 बजे तक हमारी गाड़ी खाली कर देंगे, फिर कहीं और जगह दिहाड़ी लगाएंगे, तो हम भी जल्दी उठ के जा रहे हैं। हमें थोड़ा एक सामान था वो उतार रहे, फिर सीधा जाते हैं आगे 1-2 किलोमीटर जाना वापस, तो लेबर वाले आ जाएंगे, तो फिर शायद 5:30 तक वो पहुँच जाए, होगी गाड़ी खाली होना स्टार्ट। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और देखो हल्की हल्की सुबह हो रही है, अभी बिल्कुल हल्की हल्की और हो गया अपना टायर पंचर। रेश भाई लगा रहे हैं जैक, तो भाई सुबह कभी कभी इतना काम करना पड़ता है। अभी सुबह ऐसे उठे थे, पहले टायर पंचर, रात को खड़ी थी ठीक था, पता नहीं इसमें छोटा को ब्रेक पंचर था, अभी सुबह ही हुआ है चलने से पहले ही। बस अब वेट करते हैं, तो लेबर भी हमारा इंतजार कर रही है आगे। आइए लेबर वाले, खोल दिया टायर, अंदर वाला पंचर था इसको लगा दिया, क्योंकि जगह ऐसी, तो डाउन सी जगह तो टायर लगाया ठीक है, क्योंकि जैक के नीचे ना पत्थर वगैरह लगाने पड़े, जैक बराबर नहीं आ रहा था, उसके नीचे पत्थर लगाए हैं ऐसे, तो चलो बैठ जाए जैक, तो चलो गाड़ी अगर बैठ भी गया तो टायर पे लोड पड़ जाएगा। अब तो पूरी अच्छे से सुबह होगी, पर रोड पे कोई गाड़ी नहीं है, कोई इतना रश नहीं है, कभी सुबह भाई इतनी मेहनत करनी पड़ती है, होता है कभी कोई किस्मत ख़राब हो, सुबह का दिन यार ख़राब स्टार्ट हुआ, चलो गाड़ी है, टायर हैं, पंचर होंगे चलेंगे, ऐसा चलता रहेगा। मॉर्निंग में खर्चा भाई, ये ट्यूब निकली ख़राब, मेरे ट्यूब को वो जो थी अंदर डालते हैं ना, वो उसने मतलब काट दिया, ही ट्यूब बेकार हो गई, सुबह सुबह हो गया खर्चा, नई ट्यूब नई लंगोटी, पुराने वाली लंगोटी भी ख़राब। अभी 5:15 हो रहे हैं, इस टाइम पे बहुत ही कम लोग उठते हैं यार, मतलब क्योंकि काम वगैरह जाना या घर में कोई कोई उठता है, बाकी ऑलमोस्ट सोए होते हैं। यहाँ नीचे नदी, यहाँ से नाला रोड इस तरफ आ गया, सुंदरवनी मार्केट यहाँ से स्टार्ट है बाज़ार, यहाँ पर गाड़ी अभी अच्छा हो, यहाँ पर थे भैया, यहाँ पर सुबह सुबह तो टायर का हो गया, नहीं तो आगे फिर स्टफिंग लगानी पड़ती, फिर आगे जाके फिर टायर खोलना पड़ता, अब यहाँ पे टायर बन गया, पर खर्चा हो गया। अब मानो 1600-1700 की ट्यूब है हमारे यहाँ पे, और 250 की लंगोटी, 100-150 रुपये लेबर, मतलब मानो सुबह सुबह 2000 रुपये अपना खर्चा हो गया आज। अब आए भी आराम से, ये वाले टायर पंचर होते तो टेंशन नहीं थी, क्योंकि ये टायर कमज़ोर है अपने यार, हमें पता भी है, पर वो वाला हो गया यार, इस पर नई रबड़ थी, ये हो जाए ना, देखो ये पूरे प्लान हो गए ऊपर से ना पूरे घिसके, अब इनको तारें नहीं जाते, पूरे इनकी तारें बाहर नहीं आती, क्योंकि लोकल चल रहे हैं, तो ऐसे अपने पास वो टायर है जो ना वहाँ पे जब केला भर गया तब ख़राब हुआ था, पानी का टायर अपना, मतलब हो रहे हैं टाइट नेट, अपने टायर वगैरह बन गया अपना, वो आगे 10 जगह खड़ी है, उनको जाना मर चोरे पर रास्ता ही बताते, भैया को बताते कहाँ से अंदर जाना है, थोड़ा समझा देंगे, क्योंकि वो ही पाइपें भर गई है, पर वो बंदे जम्मू का रहने वाला है बंदा, तो शायद रास्ता मतलब बाद में वो ट्रैफिक वाले बैठ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। अभी खाली रोड है, जितना मर्जी खींच के चलो, आज ना धोखा हो गया, जैसे लेबर सुबह 6 बजे 5 बजे की तैयार बैठी, और अभी 6:15 हो गए, 4 बजे मतलब 4:30 से फोन करना स्टार्ट करते लेबर को, जब खुद उठाते कि आ जाओ, क्योंकि मामी भी तो जल्दी गाड़ी खड़ी थी, थोड़ी वेल्डिंग करवानी है गाड़ी को, मुझे कहीं काम जाना था, इसी को वेल्डिंग करवानी थी, पर क्या कर सकते, चलो टायर बन गया, अगर नहीं हो तो बाद में हमारी टेंशन थी, कहीं जाते टायर बनवाते खोलते। लास्ट टाइम भी ये पाइप हमने उतारी थी, पर गाड़ियाँ बाहर खड़ी की थी, इस बार उन्होंने बोला एक बार ट्राई करो, तो ट्राई की, इंजन में डाल के गाड़ी तो चली गई अंदर, और यहाँ से पीछे जाती नहीं है, और अरे भाई रात को मिले थे हमको, यहाँ पास में वेल्डिंग वाली दुकान है, वहाँ उस तरफ वहाँ से हो जाएगी वेल्डिंग। बारिश आ रही है, बारिश में फंसे ना गाड़ी यहाँ पे, खाली भी कई बार नहीं चढ़ पाती है, पर चलो तब तक मत ना आए, पूरे बादल हो गए ना ऊपर घने घने, वो चादरें टीन जो भी था सारा सामान वहाँ पे इकट्ठा कर लिया, वहाँ से गाड़ी खाली होगी, वो सारा सामान लोड करेंगे। तो भाई अब मैं आ गया, कपड़े वगैरह कर लिए चेंज, तो बस अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट, थोड़ा सा काम था, कुछ सामान लेना था, मैं भूजी भी जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा रास्ते में छोड़ना है। तो भाई कुछ लोग कमेंट करते हैं, भाई आपके ब्लॉग थोड़े बोरिंग हो गए, घर के ब्लॉग दिखा रहे हो, मतलब जैसे गाड़ी ली है आप घर से बाहर नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है भैया, देखो गाड़ी ली है बाहर लगाया हमने चक्कर, पर इस महीने शादी है, तो भाई इस महीने सॉरी नहीं हो पाएगा, इस महीने में पूरा हम घर पे रहने वाले हैं, मतलब गाड़ी पे बहुत कम गाड़ी है, घर गाड़ी घर शादी सिर्फ भाई 15 जुलाई तक, उसके बाद आपको अच्छे से शिमला दिखाएंगे, फिर ऑलमोस्ट बाहर बाहर का ही दिखाएंगे, तब तक थोड़ा मैनेज कर लो, क्योंकि हर इंसान भाई फैमिली के लिए काम करता है, घर वालों के लिए काम करता है, तो अगर घर वाले आपसे खुश नहीं होंगे, जब वो उनके दिल में टेंशन रहेगी आप बाहर जाओगे तो फायदा ही क्या भाई। अभी मैं अकेला नहीं जा रहा, बस यहाँ से अगर राजेश को साथ में लूँगा, अकेला कहीं बेचते भी नहीं है, तो बस एक का चक्कर और जम्मू का लगाऊंगा। अब वैसे भी इस महीने शायद हमारा चक्कर नहीं है और, क्योंकि जो हमारा माल रहता ना, जब यहाँ से माल पास होता है हम फिर यहाँ से घर से निकलते हैं, फिर बाहर के लाते हैं, आज उस तरह से यहाँ से हम लंबे रास्ते जाते हैं, वहाँ पर ट्रैक्टर पानी लोड कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर चढ़ा लेंगे इसको, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं। आज मुझे तो राजेश ने गाड़ी ना, मैं जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा है
पूरी ऊपर लाई होगी, क्योंकि उस दिन उसने थोड़ी लाई थी, वो बोल रहा था अगले चक्कर में पूरी ऊपर से लाऊंगा, रास्ता पक गया होगा, मतलब बारिश की वजह से जगह पक गई होगी। चल 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 चल, पहुंच के चढ़ जा आराम से। वो देखो भाई, जानी बेड़े में पहुंच गया, मुझे पता है राजेश ने यहाँ लाई होगी भाई, हम भी उसके बगल में खड़ी कर देते हैं जानी के साथ ही। अच्छा सामान वगैरह उतार रहा था तभी, इसको तो पीछे करके लगाएंगे। खाना वगैरह खा के आ गए वापस अपने जानी पे ही, यहाँ पे इसलिए ना बिल्कुल भेड़े में हो गए, यहाँ पे बकरी बांधते हैं या गाड़ी लगाते हैं तो थोड़ा पीछे वहाँ जगह बनाई है, उस तरफ थोड़ा लगाए थे इसको, क्योंकि अभी एक दो दिन घर में रुकेगा तो फिर वहीं लगाया करेंगे, शादी पे वहीं रहेगा। अब हो गया भाई साइड पे ट्रक पार्क, पहले वहाँ पे था, यहाँ पे फंस रहा था मिट्टी है ना, अभी तो थोड़ी देर गाड़ियाँ चलेंगी तो फिर सेट हो जाएगा, ये स्पेशल इसी के लिए जगह बनाई है, शादी में इसको उसके उधर घुमा के लगाएंगे, पीछे मत बॉडी में गदे डालेंगे, आराम से कोई सोना हो सो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डीजे वाला सिस्टम रहेगा ना, तो जो यहाँ पे खाओ पियो नाचने कूदने वाला जो फ्री होगा यहाँ पे सो जाओ, जैसे हमारे से लड़के चढ़ गए वो यहाँ ट्रक पे आ जाएंगे। पूरी फिक्स ही जगह आ गई, अब तो पार्किंग पूरी बन गई, अभी यहाँ पे फंस गया था क्योंकि यहाँ पे मिट्टी अभी कच्ची है, वहाँ पे बिजली की तार हैं तो इसको मेन स्विच ऑफ कर देते हैं। अब कोई टेंशन नहीं भाई, अब हो गया मेन स्विच ऑफ, अभी दो चार दिन खड़ा रहे, अभी डाला भी खुला हुआ है, कुछ सामान लाया था वो निकाला, अभी डाला वगैरह खुला है, बज गए शाम के 6 अभी ना, थोड़ा सा यहाँ पे देखो पीछे पेंट वाला काम चल रहा है, चाचू के घर में आए थे ना वो पेंट करने वाले, अपना यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा पेंडिंग था वो होने हो गया स्टार्ट यहाँ पे देखो। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से हम पानी पीते हैं, मोटर लगाई है वो साफ़ करने के लिए, उसका सब कचरा वगैरह है, क्योंकि शादी में पानी वहाँ से यूज़ होगा तो एक बंदा जाएगा उसके अंदर, बाकी मिट्टी निकालेंगे बाहर और पत्थर वगैरह जो गंद वो निकालेंगे बाहर, पीने वाला पानी साफ, क्योंकि नेचुरल पानी अपना जब पीने का मन करे मोटर ऑन की पानी घर पर, अपने घर पर है कि भाई ऊपर वाले की तरह से पानी की कमी नहीं है, मैंने देखा भाई कहीं जगह पानी की बढ़िया दिक्कत आती है, अपने घर में पानी है भाई। बारिश भी होगी स्टार्ट अब, और यहाँ पे बाइक कर रहे हैं ओम लिखा जा रहा है ओम पे कलर, अभी बज गए रात के 8 बजने वाले हैं, वो देखो ना अभी 8 बजे कितनी मतलब लाइट रहती है, अंधेरा पूरा नहीं पड़ा अभी तक, और अभी आए थे वो टेंट हाउस वाले भैया दिखा रहे थे कि भाई कितना टेंट हाउस लगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना वो हॉल वगैरह नहीं होते थे, खुले में होती है अपना फंक्शन, उसके बाद डेकोरेशन वाले बताया कितना लगेगा, और सफेदी का जो थोड़ा बहुत काम था तो चाचू के घर पेंटर लगे थे वो भी हो गया, अब राजेश गाड़ी लेके गया था वो आया ही नहीं, मैंने बोला फिर घर पे रुक जा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनकी सिस्टर आए हुए तो आज टाइम भी था, और राजेश की बाइक हमारे पास, क्योंकि सुनील गया था गाड़ी देने के लिए बाइक ले आया, तो मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ ऊपर थोड़ा टहलने के लिए घूम फिर आते हैं। बस खाना पीना अपना हो गया, बस अब करेंगे आराम, देखते हैं कल का सीन कैसा रहने वाला है, अभी तो राजेश भी घर पे नहीं है, राजेश तो अपने घर पे गाड़ी में वहाँ पे ही है, जब सुबह सर सुबह पापा के सुंदर नहीं गए तो फिर निशहरा जाएंगे कपड़े लेने के लिए, मतलब हम लोग जाएंगे ऐसे मैं गौरव और सुनील जो अब जेंट्स वाले कपड़े वो ले आते हैं, कल अपना फेरा नहीं है, परसों ही अपना फेरा निकलेगा, तो मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।